दिल्ली के जितने भी पॉलिटेक्निक है हम लोग वहाँ पर 16 साल से पढ़ा रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पर। अच्छा, अब परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है 2010। मेरा नाम सुदीप कपूर है, मैं गुरु नानक पिछले 12 साल से कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई, हमें मौका नहीं दिया गया परमानेंट होने का। अच्छा, अब पिछले साल दिल्ली सरकार ने सारी पॉलिटेक्निक जो है वो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में डाल दी है। अच्छा, अब क्या, अब हमें DSU सबको निकाल रहा है, 15 लोगों को निकाला जा चुका है। अच्छा, हम लोग 6 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, 1 अप्रैल से निकाला जा चुका है। अच्छा, अच्छा, हम लोग पिछले 6 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुनता। हम आतिशी मैम से पूछ लीजिए, हम लोग आतिशी मैम से मिले, सिसोदिया जी से मिले, एप्लीकेशन दे चुके हैं, मैं आपको सारे प्रूफ दिखा दूंगा। अब हमें निकाला जा रहा है, सब PhD होल्डर है, कोई MTech है, कोई IIT से, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दूसरे के तब कि हम सबको कर दिया राज्य सरकार के, हम कह रहे हैं हमें परमानेंट मत करो, लेकिन जैसा है वैसा चलने दो ना, हमारी छोड़ के नहीं कर करो कुछ भी। और हम जो इतनी बार साहब कहते हैं कोई काम होता हमारी कोटी पे आइए, नहीं आपने भी सुना होगा अभी केजरीवाल जी ने क्या कहा था, मैं ऑटो में क्या कहा कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी के बीच में रहता हूँ, हम लोग आए हैं आपके पास और फिर भी आप हमसे मिलते नहीं हो, हम चौथी बार आ रहे हैं, हम चौथी बार आ रहे हैं, 15 लोग निकाले जा चुके हैं, उसके बाद हम लोग आए हैं। या तो दिल्ली सरकार हमें जवाब दे दे, या हमें इच्छा मुक्ति का वो दे दे, या हम लोग मर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। उनको रखा भी नहीं जा रहा है।